बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज और कल लाओस के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले थे। पीएम मोदी का लाओस दौरा और इस दौरान में कई अहम विषयों पर बात होगी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 19वें एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे पीएम मोदी आज और कल लाओस दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का लाओस दौरा, जिसके लिए वो आज रवाना भी हो रहे हैं। आज लाओस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी लाओस की यात्रा पर रवाना होंगे और यहाँ पर देखिए बड़ी बात यह है कि 19वें एशिया शिखर सम्मेलन में वो भाग लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी का आसियान को लेकर बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लाओस के पीएम और अन्य नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक भी उनकी होने जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय में सचिव जानकारी दे रहे हैं, जिन्होंने बताया कि ये 10वां मौका होगा जब पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अन्य नेताओं के साथ साथ भारत आसियान संबंधों में प्रगति का आकलन करने के साथ ही संबंधों के भविष्य में दिशा निर्धारित भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में आज होगी महानिशा पूजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूजन और हवन करेंगे। कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्याओं का पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर को निकालेंगे विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा। तो इन नवरात्रि के 9 दिन में विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, क्योंकि इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं। पीठाधीश्वर के तौर पर गोरक्षपीठ में वो पूजा अर्चना हर साल करते हैं। कन्याओं के पूजन के साथ इस 9 दिन के अनुष्ठान का समापन उनके द्वारा किया जाता है। और ऐसे में क्योंकि आज महानिशा की पूजा है, आज अष्टमी है, और ऐसे में खास तौर पर हवन और पूजन भी सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। और इसके बाद कल सुबह 11 बजे सीएम योगी कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि नवरात्र में कन्या पूजन का खास महत्व माना जाता है। और ऐसे में सीएम योगी भी कन्याओं का पूजन करेंगे। कल 12 अक्टूबर को विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जानी है। शारदीय नवरात्र का चूंकि आज 8वां दिन भी है, और ऐसे में आज महानिशा की पूजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7600 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, कहा कि महाराष्ट्र में तेजी से विकास हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब महाराष्ट्र को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस पर भी निशाना साधते थे नजर आए। देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये जो बड़ी सौगात कई मायनों में अहम भी हो जाती है। महाराष्ट्र में तेजी से विकास हो रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया। और ये जो कार्यक्रम जिसका कई इस दौरान जो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, ये वर्चुअली उन्होंने किया। और इस बीच 7000 से ज्यादा करोड़ की उन्होंने सौगात भी दी है। इस दौरान कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जोरदार हमला बोलते हुए कहा गया कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि भारत के युवाओं का आत्मविश्वास उज्जवल भविष्य की कहानी है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर जो कि अखबारों में छाई हुई है, गरीबों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, गरीबों के लिए जारी रहेगी वेलफेयर योजना, ये भी जानकारी दी गई। मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स और फ्रंट पेज पे ही इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें लिखा गया है कैप्शन में कि गरीबों को फ्री पौष्टिक चावल 2028 तक मिलता रहेगा। देश के करोड़ों गरीब लोगों को साल 2028 तक मुफ्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है कि पौष्टिक चावल मिलता रहेगा। सरकार ने इस योजना में 17000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी कि फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है और ये अहम फैसला लिया गया। और इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है और जाहिर है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, ये भी कहा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था, पोषण सुरक्षा की उन्होंने जरूरत बताई थी। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से फैसला गरीबों के हित में लिया गया है। और देखिए बिल्कुल गरीबों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। आप लगातार देख रहे हैं कि कोरोना से जो शुरुआत हुई थी मुफ्त राशन की, उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। और अभी गरीबों के लिए मिलने वाली ये जो वेलफेयर योजनाएं थी वो आगे भी जारी रहने वाली हैं। 2028 तक गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन मिल रहा था 2028 तक मिलता रहेगा।
दिसंबर 2028 तक का ऐलान किया जा चुका है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो मिलता रहेगा गरीबों के लिए और जो वेलफेयर योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हुए बात होगी हरियाणा के नतीजों की, जिसे लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज भी अब देखने और सुनने को मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, किसानों को भड़काने की कोशिश की, कांग्रेस का फॉर्मूला बांटो और सत्ता पाओ। देखिए अब जिस तरीके से अब निर्दलियों ने भी साथ दे दिया है बीजेपी का, तो अब आंकड़ा 51 का है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़ी जीत हुई है 2014, 2019 से भी ज़्यादा बड़ी 2024 में जो बीजेपी को जीत मिली है, इससे बीजेपी गदगद है। नायब सैनी भी कह रहे हैं कि जो हमें जीत मिली है इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और पीएम मोदी अब कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, उनका वो तंज कसते हुए कहते हैं कि हर कोशिश की कांग्रेस ने, लोगों को भड़काया भी, लेकिन इनकी ये पॉलिटिक्स चली नहीं और जनता ने हम ही पर एतबार किया। और इस एतबार के बाद में जो कॉन्फिडेंस लेवल है बीजेपी का वो भी हाई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आखिर दिन तक हर किसी का आकलन अनुमान ये था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, एकदम से जो वहाँ पर रिवर्स हुई चीज़ें और इतनी बम्पर जीत जो बीजेपी की हुई, उसके बाद से हर नेता की जुबा से कांग्रेस पर तंज कसे जा रहे हैं। और जब जीत का श्रेय खुद कार्यवाहक जो सीएम है नायब सैनी वो पीएम मोदी को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये मौका है जब बीजेपी घेरेगी कांग्रेस को। और इसीलिए लगातार पीएम मोदी भी हमलावर हैं। जिस दिन नतीजे आए, सरकार बनेगी क्लियर हुआ, उस क्लियर मैंडेट के साथ में भी आपने भव्य स्वागत पीएम मोदी का देखा, जब वो आए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों का उत्साह आपने देखा, और अब पीएम मोदी भी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उससे उतना ही फायदा होगा। कांग्रेस हर चुनाव में यही फॉर्मूला अपनाती है। पीएम ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने दलितों, किसानों, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा ने बता दिया कि देश का मूड आखिर क्या है। महाराष्ट्र में भी हमें बड़ी जीत हासिल करनी है, ये कहते हुए कल पीएम मोदी नजर आए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर और जोरदार हमला बोला, कहा कि कांग्रेस राज में सिर्फ घोटाले होते थे, इनके राज में तेजी से भ्रष्टाचार हुआ, देश को बांटने के लिए कांग्रेस नए नए नैरेटिव गढ़ रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर कल जमकर कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो देखिए बात अब कर्नाटक की कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद से मुलाकात की, और इस दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद रहे थे। तो देखिए आपको बताते चले कि 10 अक्टूबर तक वो भारत के दौरे पर हैं, और इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, और इस बीच कई MOUs थे जो एक्सचेंज हुए, कई मुद्दों पर चर्चा की गई, और साथ ही साथ अब कर्नाटक के सीएम से भी सिद्धरमैया ने मुलाकात की है, जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति, और इस बीच वो बैक टू बैक कई कार्यक्रम जिसमें शामिल भी हो रहे हैं, कई बैठक जिसमें वो शामिल हो रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी। चलिए आगे बढ़ते बात दिल्ली की, जहाँ पर सीएम आवास को लेकर के इस वक्त सियासत छिड़ गई है, तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसे सील कर दिया गया। हैंडओवर को लेकर के विवाद के बाद PWD विभाग ने एक्शन लिया है, 3 अफसरों को नोटिस भी जारी किया गया। आपको बताते चले कि इसी बंगले में, और इसको लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी जारी, आपको याद होगा कि शीश महल आगे गूंज दिल्ली की सियासत में किस तरीके से सुनाई दी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे बंगले को खाली किया था, उसके बाद चाबी को लेकर के, क्योंकि बाकायदा जो उस वक्त वीडियो भी सामने आया था उसमें उनकी पत्नी चाबी वहाँ पर देते हुए तो अधिकारी को नजर आ रही है, लेकिन PWD की तरफ से कहा गया है कि ये चाबी वहाँ पर नहीं पहुँचे। दूसरी तरफ क्योंकि दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिश है, उनका सामान वहाँ पर पहुँच गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है, और कल दिन भर दिल्ली में गहमा गहमी इस बात को लेकर के हुई कि इस पूरे बिल्डिंग को अभी सील कर दिया गया, बंगले को सील कर दिया गया, अब जाहिर है कि PWD आगे क्या एक्शन लेगा वो देखना बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन क्योंकि तमाम जो सरकारी आवास होते हैं उनका जिम्मा PWD के पास होता है, और PWD किसी बंगले को अलॉट करता है, अब डिपार्टमेंट का कहना है कि वहाँ पर चाबी नहीं पहुँची है, तो जाहिर है कि दिल्ली में एक और सियासत का मुद्दा यहाँ पर आ गया है सामने सीएम आवास को लेकर के, और इस पर बीते रोज भी सियासत बेहद ज़्यादा तेज थी। अब देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट्स, क्या कुछ हैपनिंग्स होते हैं। देखिए नियम के तहत में जब भी बंगला खाली होता है PWD को वो सुपुर्द किया जाता है, उसके बाद में उस पर पोजेशन लेने के बाद
दोबारा फिर किसी को वो बंगला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि हमने किसी को सैंक्शन किया ही नहीं और खुद आतिशी का सामान वहाँ पर पहुँच गया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने ये आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीमा आवास से बाहर निकलवा दिया। इस आवास को वो किसी बड़े नेता को आवंटित करना चाहते हैं। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का आवास खाली कराया गया, तो ये हमले बोले जा रहे हैं। वहीं देखिए, आवास का मालिक पीडब्ल्यूडी है। राजनिवास जो सूत्र हैं उनका कहना है कि इस आवास का मालिक पीडब्ल्यूडी है। केजरीवाल ने जो घर खाली किया तो दिखावा किया वो कि वो उन्होंने घर खाली किया है, लेकिन नियम मुताबिक इसका कब्जा पीडब्ल्यूडी को दिया ही नहीं, मतलब चाबियां दी और उसके बाद में कब्जा दिया ही नहीं। आतिशी ने बिना आवंटन अपना सामान उस घर में रखा और फिर खुद को वहां से हटा भी लिया। तो पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। विभाग का कहना है कि सिविल लाइन से 6 फ्लैग स्टाफ रोड आवास को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खाली करने के बाद से किसी को आवंटित नहीं किया गया। इसमें मौजूद सामान की सूची बनाने के बाद इसका आवंटन होगा। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय ने सीएम आतिशी का सामान बाहर निकलवाकर जबरन आवास खाली कराने का आरोप भी लगाया है, जबकि राजनिवास ने इस नियम के तहत कार्रवाई बताया। राजनिवास से जुड़े जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि ये आवास अभी मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित ही नहीं हुआ। 17 AB मथुरा रोड आवास दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बुधवार दोपहर से आवास सील करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि आवास खाली करने के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री आतिशी के पास आवास की चाबियां तो थी पर उन्हें आवास आवंटित नहीं था। अधिकारियों ने सीएम से घर की चाबियां ले ली और गेट पर डबल लॉक लगा दिया। अब बात होगी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में सावित्री जिंदल सहित 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने बीजेपी को समर्थन दिया है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में समर्थन का ऐलान किया गया। सावित्री जिंदल बोली, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूँ। तो देखिए, जो तीन निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी सरकार की ताकत को और बढ़ाने का फैसला लिया है। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 3 निर्दलीय विधायकों जिनमें सावित्री जिंदल, देवेंद्र खाद्यान और राजेश जून का नाम है, इन्होंने भी भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है और पार्टी के पक्ष में अब होंगे इसी के साथ में 51 सदस्य, क्योंकि अपना आंकड़ा प्लस 3 निर्दलीय और आ गए, जिससे पार्टी की क्षमता, पार्टी की ताकत जाहिर तौर पर और बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। परिणाम पर सवाल उठाने वाले पर अब इलेक्शन कमीशन हो चुका है सख्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहा, नतीजे अस्वीकार वाला स्टेटमेंट पहले कभी नहीं सुना। ये उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि जब हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट सामने आया, परिणाम सामने आए, कई सारे सवाल उसको लेकर उठने लगे। इस पर इलेक्शन कमीशन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर भी आपत्ति दर्ज कराई। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर शिकायत आई वहां पर जांच हो। तो देखिए, हरियाणा चुनावों के बाद इंडिया के घटक दलों ने तेवर दिखाए और इस हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों का दबाव बढ़ रहा है और इसका जो असर है वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि घटक दलों की मोल तोल की ताकत बढ़ी है और सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में EVM को लेकर बुधवार को शिकायत की और साथ ही सात विधानसभाओं के लिखित शिकायत इन्होंने कांग्रेस की तरफ से दी गई है और 13 विधानसभाओं की लिखित शिकायत पार्टी 2 दिन के भीतर और देने वाली है। तो EVM की बैटरी को लेकर के कांग्रेस यहां पर सवाल उठा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इतिहास में कभी इससे पहले ऐसी बातें नहीं सुनी है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज और कल लाओस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है कि उनका ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है और मोदी 3.0 में लगातार किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों का दौरा करते हुए और अपने इस दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश यही होती है कि किस तरीके से भारत और बाकी के देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनको नया आयाम दिया जा सके। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मौजूदगी बहुत कुछ बताएगी। आपको ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में वहाँ पर कई सारी मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्तमान आसियान के अध्यक्ष सोनेक्से सिफानडोन ने इन्वाइट किया है और प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है।
वियतनाम में शिखर सम्मेलन के दौरान कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलेटरल टॉक्स होंगे और ये दो दिवसीय लाओस यात्रा और इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाती है कि किस तरीके से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान के सदस्य देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ है और नई दिल्ली के हिंद प्रशांत विजन के प्रमुख साझेदार के तौर पर भी दिखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल का प्रबल समर्थन भी इसे प्राप्त है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर है कि कई विषयों पर जब बायलेटरल टॉक्स यहाँ पर होगी तो जाहिर है कि उसमें कई अहम समझौते और साथ ही साथ कई अहम विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा संभव। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे दौरे को लेकर के भी जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत के जो रिश्ते हैं वो लाओस के साथ और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो और अपने इस दौरे के दरमियान कई विषयों पर वहाँ पर चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। आसियान समिट के दौरान आपको ये बताते चले कि आसियान की केंद्रता और क्षेत्र पर आसियान के दृष्टिकोण का दृढ़ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है और बीते 10 साल की अगर बात करें तो भारत मानता रहा है कि एक मजबूत और एकीकृत आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर रवाना होते हुए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाओस की, उनकी यात्रा 21वें आसियान भारत समिट में वो हिस्सा लेंगे। दो दिवसीय उनकी ये पूरी यात्रा रहने वाली है और इस पूरी यात्रा के दौरान म्यांमार में संकट, समुद्री क्षेत्र विवाद, ये ऐसे कई सारे मसले होंगे जिसको लेकर के वहाँ पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्सो सिम्फाडोन ने इनवाइट किया है और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे, रवानगी उनकी हो चुकी है और ये भी विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि पीएम मोदी वहाँ की राजधानी वियतनाम में रहेंगे और इस दौरान पीएम 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे लाओस इस वक्त, क्योंकि आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत इस साल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। और देखिए बड़ी खबर, इस वक्त नवरात्रि में पीएम मोदी ने स्तुति शेयर की है, माँ महागौरी का चरण वंदन, पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, देवी माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहे, भक्तों के जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता बनी रहे, इस बात का जिक्र अपने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी ने किया है। देवी माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रों के मौके पर लगातार इस तरह से वीडियो शेयर कर रहे हैं, कल भी उनकी ओर से वीडियो पोस्ट किया गया था और आज एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी ने एक बार फिर से वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है माँ महागौरी का चरण वंदन, देवी माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहे। नवरात्रि के मौके में माँ महागौरी का चरण वंदन करते हुए पीएम मोदी ने भक्तों के अच्छे जीवन की कामना भी की है और नवरात्र में पीएम मोदी ने स्तुति शेयर की है, माँ महागौरी का चरण वंदन, ये लिखते हुए स्तुति उन्होंने शेयर की है, देवी माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहे। पीएम मोदी का ये एक्स पर पोस्ट है। तो देखिए नवरात्र लगातार चल रहे हैं और ये मान्यता है कि नवरात्रों के मौके में माँ को अगर कोई भी नमन करता है तो उनकी कृपा, विशेष कृपा बरसती है और पीएम मोदी भी भक्तों पर, जो माँ के भक्त हैं और उनके देश के वासी हैं, उनके ऊपर माँ की कृपा की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। निर्माणाधीन माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के निरीक्षणों की तरफ से किया गया, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बलरामपुर के दौरे पर जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और उस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। निर्माणाधीन माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, इन दोनों का ही निरीक्षण सीएम योगी की तरफ से किया गया। बढ़ते खबरों में आके नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस को नसीहत, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नतीजों पर विचार करना चाहिए, उन्हें गहराई में जाकर सोचना होगा। राजभवन का रास्ता नापने वाले घर बैठे केंद्र के साथ तालमेल बनाना जरूरी, तो कांग्रेस हार पर गंभीरता से सोचे, उमर अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट है। उनके तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को हरियाणा में हार के कारणों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इन एग्जिट पोल से सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत साबित होते हैं।